हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सृजन का विभाग चैप्टर 9, मेरा नया बचपन कविता का नाम है और इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। और काव्य विभाग का आपका ये लास्ट चैप्टर है, फिर आपका काव्य विभाग में कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो देखिए चैप्टर 9, मेरा नया बचपन कविता। तो सबसे पहले हम कवयित्री का जीवन परिचय देख लेते हैं संक्षिप्त में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 और उनकी मृत्यु 1948, हमारा देश आजाद होने के एक साल बाद। अपने समय की, मतलब जब इनका समय चल रहा था उस समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में, मतलब इलाहाबाद में हुआ था, तथा उनकी आरंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी, मतलब लिखना पढ़ना, कविताएं कहानियां निबंध ये लिखना, इसमें उनको बचपन से ही रुचि थी। तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी, इस चीज को अंडरलाइन करना, 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, मतलब जब ये लिखती थी तब हमारा देश आजाद नहीं था, गुलाम था, तो उस समय आंदोलन भी चल रहे थे। तो उस समय इन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए उनमें इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई तथा कई बार जेल भी गई देश को आजाद कराने के लिए। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री थी तथा उनकी कविताओं में दो प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, प्रवृत्ति यानी आदत। प्रथम राष्ट्रीय भावना, मतलब अपने देश भक्ति की भावना। तो द्वितीय घरेलू जीवन, लो स्त्री थी तो घरेलू जो जीवन होता है अपना सांसारिक जीवन, मतलब गृहस्थ जीवन। उनकी राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है, मतलब जो राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण उनकी कविताएं हैं उसमें ये समसामयिक घटनाएं, राष्ट्र प्रेम से संबंधित और ये संस्कृति से संबंधित, इन सब की उस उन कविताओं के अंदर गहरी छाप मिलती है, मतलब उस कविताओं में उनकी छवि नजर आती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, मतलब उनके जो अंदर काव्य प्रतिभा थी वह अद्भुत थी, बचपन से ही थी। इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती थी। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादतम्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता है। मतलब कहने का कि जब भी वो किसी कविता की रचना करती थी तो उस कविता में उनके भाव सरल शब्दों में झलक जाते थे और ऐसा नहीं लगता था कि इस कविता के ऊपर इन्होंने अपने भाव थोपे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि ये इनके रियल भाव है, मतलब अंदर से निकले। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर यह लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा, जैसे गद्य विधाएं होती है ना, तो गद्य विधा के अंतर्गत ही आते हैं ये कहानी निबंध उपन्यास नाटक संस्मरण ये, तो कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखे। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है, मतलब ये दोनों उनकी कहानियां हैं। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद की अभिव्यक्ति भी मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार सेम सरिया पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मिला। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दिए। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। ये तो उनका जीवन परिचय था।
देखिए, अब जो कविता हम पढ़ेंगे पहले उसका सार संक्षेप समझ लेते हैं। मेरा नया बचपन, ये कविता का नाम है। कविता में जीवन की बाल्यावस्था यानी बचपन को जिस सादगी और भाव प्रवणता यानी भाव प्रवीणता मतलब कारी कुशलता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला है, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। इस कविता के कविता में यही बताया गया है कि वे जैसे उनकी छोटी सी पुत्री को खेलते देख अपने बचपन की याद आ जाती है उनको। अब ये कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लक्षणा शब्द शक्ति है कविता में। इसकी भाषा सरल और कथन शैली भावुकतापूर्ण है। कथन और वर्णन शैली है और वात्सल्य रस है। ये आप इसके काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ये चीजें लिखेंगे। इस पूरी कविता में ये है। और आपने जो इनका जीवन परिचय देखा अभी, उसमें इस चीज को देख लीजिए, समसामयिक इसका मतलब होता है समकालीन। समकालीन यानी उसी काल में जिस काल में कवियत्री साहित्य की रचनाएं कर रही थी उस समय यानी उस काल में। और उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी यानी प्राकृतिक स्वाभाविक यानी स्वाभाविक थी उनके अंदर। उन्होंने किसी से ग्रहण नहीं की थी, नेचुरल था जो भी था उनके अंदर। अब देखिए कविता मेरा नया बचपन। तो सबसे पहले आप इस बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चितड़ों में रानी। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें अतुलित का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, और चितड़ों चितड़ों यानी फटे पुराने कपड़ों में। और इसमें जो ये बार बार यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन से अवतरित है। ये इसका संदर्भ है। पूरी कविता के लिए जितने भी ये काव्यांश है सबका संदर्भ एक सा ही रहेगा। अब जो ये अभी मैंने 6 पंक्तियां पढ़ी, इन पंक्तियों का प्रसंग ये है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि कवियत्री को अपने बचपन के समय की मधुर यादें आ रही है। इन लाइनों में ये बताया गया है। तो देखिए बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवियत्री कह रही है कि उसे अपने बचपन की जो मधुर यादें हैं, मधुर स्मृतियां हैं, वो उसे बार बार आती रहती है। अपना बचपन किसे याद नहीं आता, सबको याद आता है। उसे लगता है, मतलब कवियत्री को लगता है कि जैसे बचपन के जाने के बाद उसके जीवन में से मस्ती का समय चला गया। मतलब कवियत्री को अपने बचपन की बहुत याद आ रही है और उसे ऐसा लगता है कि बचपन बीत गया तो उसके जीवन का सबसे मस्त और सबसे यादगार पल बीत गया। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब कवियत्री कहती है कि बचपन में वह बिना किसी चिंता के डर के खेला करती थी, खाया करती थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। बचपन मस्त, बच्चे मस्त मोला होते, उन्हें किसी चीज की न परवाह होती थी। वह बिना किसी भय के बिना किसी डर के इधर उधर घुमा करती थी।
भला बचपन के उस अद्भुत आनंद को वह कैसे भूल सकती है। मतलब अतुलित आनंद, ऐसा आनंद जिसकी कोई तुलना न की जा सके, तो ऐसे आनंद को वह कैसे भूल सकती है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ छूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोपड़ी और चित्रों में रानी। कवियत्री कहती है कि उस समय बचपन में जब हम छोटे थे, ना समझते, हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी, तो उस समय उनके लिए ऊंच क्या होती है, नीच क्या होती है, छुआछूत क्या होती है, कि भाई कौन ऊंचा है, कौन नीची जाति का है, किससे छुआछूत रखनी किससे नहीं, इस चीजों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे उनके अंदर कोई भाव नहीं थे, मतलब उस समय वो समझते ही नहीं था, उनके मन में किसी के भी प्रति छुआछूत के ऐसे भाव नहीं थे। उस समय तो स्वयं को, मतलब बचपन में, उस समय तो कवियत्री स्वयं को जैसे कोई झोपड़ी और फटे पुराने कपड़ों के बीच पलने वाली किसी रानी से कम नहीं समझा करती थी उस समय, यानी बचपन में। तो ये इसकी व्याख्या हो गई है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, ये बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खेलना खाना ये वो अनुप्रास अलंकार है, और ये जो बनी हुई चित्रों में रानी, बनी हुई चित्रों में रानी, यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार की भी झलक दिखाई पड़ती है। अब नेक्स्ट सेकंड देखिए, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। अब इसमें कवियत्री ये बताती है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो बचपन की जो क्रीड़ाएं होती है उनका कवियत्री ने यहाँ पर जीता जागता चित्र अंकित कर दिया है, मतलब जीता जागता वर्णन किया है इस काव्यांश में। तो कवियत्री कहती है कि उसने बचपन के सभी आनंद पाए, मतलब उसने बचपन में जितने भी आनंद होते हैं, जितनी भी क्रीड़ाएं होती है, उन सारी क्रीड़ाओं का उसने आनंद उठाया है। वह कहती है कि पीते 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 दूध को मुंह से निकाल देना, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको दूध पिलाते तो वो कुल्ला करते हैं या जान करके मुंह से दूध निकाल देते हैं। अपना अंगूठा ऐसे चाव से चूसती थी जैसे कोई अमृत पी रहा हो। ये सारे मजे उन्होंने बचपन में किए, ये सारी क्रीड़ाएं कवियत्री ने अपने बचपन में की। आदि बच्चों की सभी, आदि मतलब जो भी दूसरे बच्चे होते हैं उनकी जो सरल क्रियाएं वह सारी क्रियाएं इन्होंने भी की, और अपनी किलकारियों और किल्लोलों से घर के सूनेपन को भर दिया करती थी। जैसे छोटे बच्चे अपनी किलकारी और अपने शोर से पूरे घर को आबाद कर देते, पूरे सूने घर को आबाद कर देते, वैसे ये भी किया करती थी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कवियत्री कहती है कि जब वह छोटी थी तो उसका किसी बात पर रोना या मचल जाना सभी को बड़ा आनंदित करता था। मतलब घर के जितने भी लोग होते थे, अगर ये छोटे थे, ये रोती थी और ये मचल जाती थी, मतलब जिद्दी हो जाती थी या, तो घर के सभी लोग बड़ा आनंदित होते थे। और जब उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलने लगते थे तो सभी उसे मनाने में लग जाते थे और उसे अपने मचलने से जैसे मनचाही विजय मिल जाती थी। और जब वो रोती थी और घर के सभी सदस्य जब उसे मनाते थे तो उसे ये लगता था कि जैसे उसे अपनी मनचाही विजय या उसने अपनी मनचाही जयमाला पहन ली हो। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कवियत्री कहती है कि जब कभी कवियत्री रोने लगती थी तो उसकी माँ घर के सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उसे गोद में उठा लेती थी और उसके आंसुओं से जो उसके गाल गीले हो रखे थे उनको माँ अपने होठों से चूम चूम कर उन गालों को सुखा देती थी।
ये सारी क्रीड़ाएं बचपन में होती है, जो कवियत्री ने इन सारी क्रीड़ाओं का आनंद लिया है, तो उन्होंने इसी चीज का वर्णन किया है इसमें। अब यहाँ पर इस वाले काव्यांश में दूध के कुल्ले करना और अंगूठा चूसना, दूध के कुल्ले करना और अंगूठा चूसना, ये दोनों मुहावरे हैं। और ये बड़े 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 मोती से, ये बड़े बड़े, एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पे उपमा अलंकार भी है कि बड़े बड़े मोती से मतलब बड़े बड़े मोती के समान, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। और ये किलकारी किल्लोल में अनुप्रास अलंकार है, गीले गालों में भी अनुप्रास अलंकार है, और ये चूम चूम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आपका सेकेंड काव्यांश हो गया है। अब थर्ड देखिए आप, दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर यूत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। इस वाले काव्यांश में, थर्ड काव्यांश में कवियत्री बचपन से, अब बचपन से वो किशोरावस्था में कदम रखती है, तो उस बचपन से लेके किशोरावस्था में कदम रखने पर मन में उठने वाली भावनाओं को प्रकाशित कर रही है इस काव्यांश में। तो देखो, वह कहती है कि जब रोती थी तो उसके दादा उसको बहलाने के लिए चंद्रमा दिखाया करते थे, चंदा दिखाया मतलब चंद्रमा दिखाया करते थे, तब उसकी आंसू भरी आंखों में खुशी छा जाती थी और उसके आंसुओं के बीच सरल मुस्कान को देखकर घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। नीर यूत यानी आंसुओं से भरी, मतलब उसकी आंसुओं से भरी आंखें चमक उठती थी चंद्रमा देखकर, और जब उसकी सरल मुस्कान को देखकर घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। वह कहती है कि धीरे धीरे बचपन बीतता गया और उस परम सुखों से भरे अपने साम्राज्य, इसने यहाँ पे अपना साम्राज्य किसको कहा है, बचपन को, और परम सुखों से भरा हुआ मतलब वो बचपन छोड़कर कवियत्री कुछ बड़ी हो गई, मतवाली हो गई यानी कुछ बड़ी हो गई। अब उसके मन की सरलता का एक स्थान मस्ती ने ले लिया था, बचपन में वो सरल स्वभाव की थी, अब जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो एक मस्ती ने ले लिया था, और उसे लगता था जैसे उसका कुछ छीन गया था, मतलब बचपन चला गया था ना, किशोरावस्था में आ गई थी, तो उसे लगता था कि जैसे उसका कुछ छीन गया था या किसी ने उसे ठग लिया था। उसका बचपन उससे दूर हो गया था और अब दौड़ दौड़ कर घर के द्वार पर जा खड़ी होती थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी। कवियत्री अपने बारे में कहती है कि बचपन से जब उसने किशोरावस्था में कदम रखा तो उसके अंदर ये परिवर्तन आए थे और इस प्रकार की भावनाएं उठी थी। कहने का मतलब ये कि उसके मन में घर के बाहर के संसार को देखने की उत्सुकता बनी रहती थी, बचपन था जब तक तो वो घर में घर वालों के साथ क्रीड़ाएं करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो वैसे वैसे बाहर के संसार को देखने की उत्सुकता उसके अंदर जागती रही। तो अब वो कहती है कि देखो, उसकी आंखों के भोलेपन का स्थान, जब वो बचपन छोटी थी तो आंखें भोली थी, तो उसकी आंखों के भोलेपन का स्थान अब एक संकोच ने ले लिया, मतलब लाज भरी थी यानी संकोच ने ले लिया था, उसकी आंखें लाज यानी लज्जा से झुकने लगी थी, मन में एक प्रेम भरी पुलक सी भरने लगी थी, उसके मन में एक प्रेम भरी उमंग छाने लगी थी, उसके कानों में मधुर ध्वनियां गूंजने लग गई थी, मतलब युवावस्था में बच्चों में ये सारे चेंजेस आते हैं, ये परिवर्तन आते हैं, और अब वह एक चंचल और बन ठन कर रहने वाली युवती बनने जा रही थी, मतलब उसका बचपन
बीत चुका था और उसने युवावस्था में कदम रखा था, तो उसके अंदर ये परिवर्तन आ रहे थे। कहने का मतलब कि अब वो मैच्योर होने जा रही थी। कहने का मतलब यहाँ ये है कि बचपन से किशोरावस्था की ओर फिर युवावस्था की ओर बढ़ती लड़की में जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं उनका सजीव चित्रण कवियत्री ने इसमें किया है। ये देखिए यहाँ पे नैन नीर युत चेहरे चमक और दौड़ द्वार तथा छेल छबीली में अनुप्रास अलंकार है। और लूटी हुई खड़ी हुई, लूटी हुई सी खड़ी हुई सी ठगी हुई सी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब चलिए अब फोर्थ वाला काव्यांश देखते हैं अपन। दिल में एक चुभन सी थी यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। यहाँ पर चुभन सी मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मधुर कसक, और यहाँ पर ये चुभन सी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये पहेली यानी प्रश्न, अकेली कहने का मतलब यहाँ पर अकेली वो मतलब मन की भावना व्यक्त न कर पा रही थी, मतलब अकेली का मतलब ये नहीं कि घर में कोई नहीं और अकेली, मतलब अब वो किसी के सामने अपने मन की भावना व्यक्त नहीं कर पा रही थी। और ठगा दिया कहने का मतलब कि अब उसने जवानी को सौंप दिया था अपना सारा मतलब जीवन, और जवानी का फंदा मतलब उसने युवावस्था की मधुर अनुभूतियों को कहा है। और पुरुषार्थ का मतलब होता है सामर्थ्य यानी पराक्रम यानी क्षमता उसके अंदर। तो देखिए इसमें कवियत्री युवावस्था आने पर मन में उठने वाली मधुर भावनाओं को प्रकट किया है। तो देखिए कवियत्री कहती है कि दिल में एक चुभन सी थी यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी मैं सबके बीच अकेली थी। कहती है कि जवानी में प्रवेश करते ही उसके मन की भावनाएं बदलने लगी, उसके मन में एक मधुर कसक सी उठने लगी, एक अजीब सी हलचल मचने लगी। जवानी की वह दुनिया बड़ी अनोखी और आकर्षक थी, उसके मन में जीवन को लेकर अनेक प्रश्न और उत्सुकताएं जागने लगी। उसे लगने लगा जैसे इतने अपने और परिजनों के बीच रहते हुए भी उसे ऐसा कोई साथी नहीं मिला जिससे वह अपने मन की भावनाओं को साझा कर सके। कहने का मतलब कि उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे थे उन परिवर्तन को वो किसके साथ शेयर कर सके, ऐसा उसे कोई नहीं मिल रहा था। मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। कवियत्री कहती है वह मन ही मन जिससे मिलने को उत्सुक थी वह यौवन उसे मिला तो सही, मतलब बचपन में बच्चे बड़े होने के लिए उत्सुक होते हैं ना, तो वो यौवन उसे मिला तो सही, बचपन में उत्सुक थी यौवन में प्रवेश करने के लिए, तो वह उसे मिला तो सही पर उसे लगा कि बचपन ने उससे छल किया, मतलब बचपन ने उसे धोखा दिया कि भाई यौवन तो बचपन से भी ज्यादा अच्छा होता है, उसे ऐसा लगा, तो इसलिए उसने ये कहा कि बचपन ने उससे छल किया मतलब धोखा किया ठगा किया। उसने उसे जवानी के मधुर जाल में उलझा दिया, किसने, बचपन ने कवियत्री को जवानी के इस मधुर जंजाल में उलझा दिया। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। कवियत्री कहती है कि जवानी का समय बड़ा अनोखा होता है, मैं मानती हूँ इस आयु में व्यक्ति के मन में अनेक कामनाएं जागा करती है, मतलब काम वासनाएं अत्यधिक जागती है, उसमें नई सामर्थ्य मतलब नया कुछ कार्य करने की
क्षमता उत्पन्न होती है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जवानी का यह समय सचमुच बड़ा मुग्धकारी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि किशोरावस्था से जवानी में प्रवेश करते समय युवा हृदय में जो भावनाएं और अनुभूतियां जागा करती है, कवयित्री ने उसका चित्रण किया है। यहाँ पर जवानी के फंदे में रूपक अलंकार है और माना मैंने में अनुप्रास अलंकार है और ये चुभन सी में भी उपमा अलंकार है। यहाँ पर चुभन सी, ये जहां पर सा सी से इस टाइप से आता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। चलिए अब नेक्स्ट फाइव वाला काव्यांश। किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। इस काव्यांश में कवयित्री ने जवानी को अनेक चुनौतियों से भरा एक झंझट बताया है। भाई जवानी जब आ जाती है तो बचपन तो मस्त मोला होता है, बिल्कुल चिंता रहित, लेकिन जवानी जो होती है वो पूरी चुनौतियों और चिंताओं से भरी हुई होती है, एक झंझट होता है झंझट। तो यहाँ पर कवयित्री ने जवानी को अनेक चुनौतियों से भरा हुआ एक झंझट बताया गया है। तो देखिए इन लाइनों का अर्थ, कवयित्री कहती है कि युवावस्था में नई नई कामनाओं, पुरुषार्थ कामनाओं यानी काम वासना है, पुरुषार्थ यानी कुछ नया करने की, और ज्ञान की वृद्धि होती है, किंतु इस आयु में बड़े बड़े झंझट भी है। इस अवस्था में व्यक्ति के लिए सांसारिक जीवन एक चुनौती और संघर्ष से भरा एक युद्ध भूमि के समान नजर आता है, और जो युवावस्था है वो नई नई जिम्मेदारियों के आने से मन चिंतित रहता है और कभी कभी जीवन एक बोझ सा प्रतीत होता है। कवयित्री कहती है कि युवावस्था में नई नई जिम्मेदारियों के आने से मन चिंतित रहता है और कभी कभी जीवन एक बोझ सा प्रतीत होने लगता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। यहाँ पर व्याकुल व्यथा में अनुप्रास अलंकार है और प्राकृत यानी स्वाभाविक। तो कवयित्री कहती है कि जवानी के झंझटों से विचलित परेशान हो जाती है वो और अब अपने बचपन को वापस पुकारती है, बोलती है कि बचपन एक बार वापस आ जा। वह पुकारती है कि ओ मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार फिर से आ जा और मेरी इन सारी चिंताओं से दबे हुए जीवन को फिर से एक शांति से भर दे, स्वच्छ शांति से भर दे, फिर से मुझे जवानी के इस थका देने वाले झंझट और इस रास्ते से मुझे स्वाभाविक विश्राम प्रदान कर दे। स्वाभाविक विश्राम तो बचपन में ही मिलता है और ये जवानी का जीवन तो पूरा थका देने वाला और झंझटे वाला होता है, तो इससे मुझे मुक्त कर दे और जो मन की व्याकुलता भरी जो वेदना है उसको शांत कर दे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। भोली सी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। कवित्री कहती है कि फिर से इस जीवन में उसी मधुरता भरी सरलता से भर दे और मेरे जीवन से सारे दुख, ये जो कलुष है मतलब ये जो परेशानियां इनको मिटा दे। क्या तू फिर से मेरे जीवन में पधार कर, बचपन को कह रही है अब कवयित्री कि क्या तुम मेरे जीवन में वापस आकर मेरे इस बेचैन और चिंतित और बोझ भरे हुए जीवन मतलब मन को कष्ट को दूर कर सकेगा। ऐसा कवयित्री अपने इस बचपन को कह रही है। कहने का मतलब ये है कि कवयित्री बचपन को जीवन का सबसे सुंदर समय मानती है और उसने बचपन के समय को सबसे सुंदर समय सिद्ध किया है। जवानी बनी भले ही अनेक आकर्षक भेंटों से भरी हो पर बचपन की निर्मल शांति के सामने वो कहीं नहीं ठहरती। कहने का मतलब बचपन की निर्मल शांति ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जवानी से। वह युवाओं को चिंता और झंझटों के जाल में उलझा देती है। कौन? जवानी। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट काव्यांश। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। छोटी सी उपमा अलंकार, नंदन वंशी यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो देखिए इसमें कवियत्री उसके बचपन फिर से आ गया, मतलब इस अंश में कवियत्री ने बताया कि उसकी बेटी के रूप में, उसकी बच्ची के रूप में उसका बचपन फिर से लौट आया है, मतलब उसकी बेटी की अटखेलियों का वर्णन करती है कवियत्री इसमें। और यहाँ पे नंदन वन का मतलब है स्वर्ग का उद्यान। तो देखिए कवियत्री कहती है कि जब वह बचपन से फिर से आने के लिए विनती कर रही थी, तभी उसकी छोटी सी बेटी अचानक उसे ओ माँ कहकर पुकार उठी। कवियत्री ने अचानक उसकी ओर देखा तो देखती ही रह गई। बिटिया के बोलते ही कवियत्री को ऐसा लगा कि वह घर प्रसन्नता के मारे नंदन वन के स्वर्ग के समान फूलों से भर गया हो, नंदन वन के स्वर्ग के समान फूलों से भर गया हो, मतलब उसकी बेटी के बोलने से, उसकी बेटी के आने से। कवियत्री की, कवियत्री जब अपने बचपन में खोई हुई थी, बचपन की स्मृतियों में, तभी अचानक उसकी बेटी आकर उसको पुकारती है। और जैसे ही उसकी बेटी उसे पुकारती है तो कवियत्री मतलब उसकी आवाज से, उसकी बेटी की आवाज से उसका वो घर उसे नंदन वन के स्वर्ग के समान फूलों से भर गया वो ऐसा प्रतीत होता है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कवियत्री कहती कि बेटी भी मिट्टी खाकर आई थी, मतलब बाहर खेल रही थी उसकी बेटी और वो बाहर से मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मिट्टी उसके मुंह में थी और कुछ मिट्टी उसके हाथ में थी, जिसे वह अपनी माँ को खिलाने के लिए लाई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा था। द्रगो यानी नेत्र और आह्लाद यानी अत्यंत ही खुशी। तो कवियत्री कहती है कि मिट्टी चखने का रोमांचक आनंद उसके अंग अंग से झलक पड़ रहा था, मतलब कहने का उसकी बेटी जो मिट्टी खाकर आई थी और मिट्टी खाने का जो आनंद था, उसकी बच्ची के अंग अंग में वो खुशी झलक रही थी, मिट्टी खाने की खुशी। और आंखों में भोला भोला कौतूहल छाया हुआ था और उसके मुंह पर खुशी, उसका मुंह मतलब खुशी से लाल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटी ने अपने मिट्टी खाने जैसे महान कार्य पर बड़ा गर्व भी हो रहा था, मतलब उस बेटी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिट्टी खाकर बहुत बड़ा महान कार्य किया, ऐसा उस बच्ची के अंदर उसकी माँ को मतलब दिखाई दे रहा था, महसूस हो रहा था। तो कवित्री यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसका जो बचपन है उसकी बेटी के रूप में मूर्तिमान होकर आ पहुंचा, उसकी बेटी उसको जैसे दिख रही थी उसका बचपन भी वैसा ही था। कहने का मतलब ये है कि कवियत्री का बचपन उसके बेटी के रूप में उसके सामने खड़ा था, उसकी निराली बोली कौतूहल भरी मूर्ति देखकर कवियत्री का मन भी नंदन वन के फलों से भर गया था। यहाँ पर नंदन वंशी और कुटिया मेरी में उपमा अलंकार है, ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए अब नेक्स्ट काव्यांश, लास्ट वाला। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। इसमें कवियत्री ने बेटी के रूप में अपने बचपन के दर्शन किए हैं और इससे उसके जीवन में नया उत्साह उत्पन्न हो गया, मतलब कवियत्री के जीवन में उसने बेटी के रूप में, कवियत्री ने अपने स्वयं के बचपन के दर्शन किए और उस दर्शन करने से कवियत्री के अंदर नया उत्साह उत्पन्न हो गया और उसके जीवन का तनाव भी दूर हो गया, वह स्वयं भी बच्ची जैसी बनकर बेटी के साथ खेलने लगी, ये मतलब इस अंश में बताया गया है। तो देखो कवियत्री कहती है अपनी छोटी सी बेटी की तोतली बोली में सुना, कवियत्री ने अपनी बेटी की तोतली बोली में सुना, माँ खाओ
यह सुनते ही उसका हृदय वात्सल्य से प्रफुल्लित हो उठा, मतलब खुशी के मारे प्यार से उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा और उसने कहा, बिटिया तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मंजू ये ने सुंदर, इस प्रकार वह स्वयं भी बच्ची बन गई। उसे लगा कि उसका बचपन ही बेटी बनकर उसके सामने आ गया और इस घटना से उत्साहित होकर वह स्वयं भी बच्ची जैसी बन गई है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब वह कवियत्री कहती है कि वह भी बेटी के साथ खेलती और खाती और तुतला कर ही बोलती है। बेटी की भोली बातें और मनमोहक क्रीड़ाओं और अदाओं को देखकर वह स्वयं भी बच्ची की तरह व्यवहार करने लग जाती है और कवियत्री को लगता है कि उसका बचपन जिसे वह वर्षों से ढूंढ रही थी अब बेटी के रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो गया है, मतलब बेटी के रूप में उसने पा लिया है। जो बचपन उसे छोड़कर भाग गया था वह फिर से वापस आ गया है, किसके रूप में, उसकी बेटी के रूप में वापस उसके सामने आ गया है। यहाँ पर बचपन बेटी बन आया, एक तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और यहाँ पर बचपन बेटी बन आया, बचपन भाववाचक मतलब विशेषण है और इसको बेटी के रूप में प्रस्तुत किया है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। और ये मंजू मूर्ति, मंजू का मतलब होता है सुंदर, तो ये मंजू मूर्ति और खेलती खाती में अनुप्रास अलंकार है। वैसे ये कविता मतलब मेरा नया बचपन में ये जो कविता है, ये कविता घर में एक बेटी के आगमन से खुश होकर सुभद्रा कुमारी ने आज के बेटी बचाओ अभियानकर्ताओं को भी संबोधित किया है इस कविता के माध्यम से, ठीक है। ये आपकी कविता यही समाप्त होती है। आपको इसके मतलब संदर्भ और व्याख्या पूरी करनी है अलग अलग काव्यांश के अंतर्गत, मतलब जैसे इसके सात काव्यांश है, इसको सात हिस्सों में बांटकर इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरी सिस्टमेटिक और सही तरीके से करनी है। अब इसके शब्दार्थ आप स्वयं रीड कर लेना, उसके बाद देखिए इसके वस्तुनिष्ठ, कवियत्री को बार बार क्या याद आता है, तो बचपन की मधुर यादें। बचपन में कवियत्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई, कवियत्री की माँ आई, ये इसमें बुक में ही टिक कर लेना। और इसके जो ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है ये भी आप बुक में ही लिख लेना। कवियत्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं, तो वो मोती आज उसको जय माला जैसे लगते हैं, जैसे कोई उसने विजय हासिल कर ली हो और उसके बाद उसको माला पहनाई जा रही हो, ऐसी जय माला जैसे। कवियत्री की बिटिया कवियत्री को क्या खिलाना चाह रही थी, मिट्टी खिलाना चाह रही थी। ये लघु और निबंधात्मक तो आप कॉपी में करेंगे। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब ये कि कवियत्री जो प्राय अपने बचपन की मधुर जीवन की याद सताती रहती थी कवियत्री को, उसे अपना घर सूना सूना सा लगने लगा करता था, तो बेटी के आने से उसका घर फिर से बेटी की मधुर किलकारियों किल्लोलों क्रीड़ाओं से गूंजने लगा। बेटी ने उसके घर के सूनेपन को समाप्त कर दिया और बेटी के रूप में उसको अपना बचपन उसके सामने दिखाई देने लगा, मतलब उसका बचपन वापस लौट आया। नैन नीर युत दमक उठे पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कवियत्री बचपन में जब कभी रोती थी, मचलती थी, रूठ जाती थी, तो घर के जितने भी लोग थे वो सभी लोग उसे मनाने में बहलाने में फुसलाने में लग जाते थे और उसके दादा जो थे वो उसे बहलाने के लिए उसको मनाने के लिए गोद में उठाकर बाहर आंगन में ले जाकर आकाश में चंद्रमा दिखाया
करते थे। तब कवियत्री की आंसुओं से भरी जो आंखें थी वो खुशी के मारे एकदम दमकने लगती थी और वह मुस्कुरा उठती थी। अब देखिए मेरा नया बचपन कविता का सारांश लिखी है, तो ये तो आप जब व्याख्या कर रहे हैं पूरी कविता की तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषताएं ऐसी है जो हमें आज भी याद आती है, ये आपको स्वयं को करना, और ये व्याख्यात्मक प्रश्न भी नहीं करना क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं इसलिए। तो ठीक है, ये आपका मेरा बचपन कविता यहीं समाप्त होती है और काव्य भाग आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है काव्य भाग में। अब उसके बाद मैं गद्य भाग का कोर्स कंप्लीट करूंगी और फिर पीयूष प्रवाह स्टार्ट करेंगे। तो आपको काव्य भाग में कार्य पूरा कर व्यवस्थित तरीके से कॉपी स्कूल में जैसे भी आपको समय मिले आकर चेक करानी है, क्योंकि CW के आधार पर ही आपको 20 मार्क्स 17 अंक के दिए जाएंगे और वही आगे भेजे जाएंगे, तो इसलिए आपको CW कंप्लीट करनी कंपलसरी है। धन्यवाद।